गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज अमेजिंग साइंस क्लास थर्ड चैप्टर फोर्थ क्रॉलिंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज लिविंग प्लेस ऑफ क्रॉलिंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, वे जगह जहाँ पे ये रहने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े रहते हैं। जनरली क्रॉलिंग एनिमल्स प्रीफर कूल एंड डार्क प्लेसेस, सामान्यतः जो रेंगने वाले जानवर होते हैं वो ठंडी जगह पर या फिर अंधेरी जगह पर पाए जाते हैं। डिफरेंट क्रॉलिंग इंसेक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग रेंगने वाले कीड़े अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। कॉकरोचेज आर जनरली फाउंड इन और नियर टॉयलेट्स, किचन्स एंड अदर सच प्लेसेस। जो कॉकरोच होते हैं वो तिलचट्टे वो ज़्यादातर टॉयलेट में, किचन में या इस तरह की जगह पर रहते हैं। स्पाइडर्स आर जनरली फाउंड इन द रूफ कॉर्नर ऑफ आर हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स। जो मकड़ी होती है, स्पाइडर होती है, वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, छत के कोनों पर पाई जाती है, हमारे घर के छतों के कोनों में पाई जाती है या अदर बिल्डिंग्स में पाई जाती है, दूसरी बिल्डिंग्स में पाई जाती है। बैड बग लिव्स इन क्रैक्स एंड क्रीवस इन आर बेड्स। ये जो बैड बग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, दरारों में पाए जाते हैं, हमारे बेड की दरारों में या गद्दे के नीचे, ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं। दे सक ब्लड फ्रॉम आर बॉडी, वे चूसते हैं हमारे खून को हमारी बॉडी से। ऑल्दो दे कैन फीड ऑन एनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे मेनली फीड ऑन ह्यूमन बींग्स। यद्यपि वे गर्म खून को पीते हैं या खाते हैं, ज़्यादातर जानवरों के गर्म खून वाले जानवरों के खून को सक करते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर मेनली फीड हम ह्यूमन बींग्स के ब्लड को सक करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर वो ह्यूमन बींग्स के ब्लड को सक करते हैं, चूसते हैं। लीचेस लिव नियर वाटर बॉडीज, लीच यानी कि जो है वो वाटर बॉडीज़ के किनारे पाई जाती है, वाटर बॉडीज़ के पास पाई जाती है। दे अटैच देमसेल्व्स टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड सक देयर ब्लड, वे अटैच करते हैं खुद को एनिमल्स की बॉडी से और सक करते हैं उनके ब्लड को, चूसते हैं उनके ब्लड को। एंट्स लिव इन कॉलोनीज, जो चींटियाँ होती हैं वो कॉलोनी में रहती हैं, झुंड में रहती हैं। एन एंट कॉलोनी इज अ सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड चैम्बर्स विच आर कनेक्टेड नॉट ओनली टू ईच अदर पुट बट ऑल्सो द सरफेस ऑफ द अर्थ बाई स्मॉल टनल्स। जो चींटियाँ होती हैं वो कॉलोनी में रहती हैं एक सीरीज में, अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे रहती हैं, चैम्बर बना के रहती हैं, विच आर जो चैम्बर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए भी वो सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर एक छोटे छोटे टनल्स के रूप में निकली रहती है। सम अर्थवॉर्म्स लिव्स इन द सॉयल, कुछ जो अर्थवॉर्म होते हैं वो सॉयल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। हाउएवर सम प्रीफर द मड, जबकि कुछ जो होते हैं वो प्रीफर करते हैं मड को, मिट्टी को, कीचड़ को। अलोंग द सोर्स ऑफ फ्रेश और सॉल्टी वाटर बॉडीज, सोर्स यानी कि किनारे पर, पानी के किनारे पर, फ्रेश वाटर के या सॉल्टी वाटर के किनारे पर वे रहते हैं, अपने आप को वहाँ पर ढाल लेते हैं। मूवमेंट्स इन इंसेक्ट, ये मूवमेंट्स ऑफ इंसेक्ट दिख रहा है आपको। सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई विद विंग्स, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो विंग्स के साथ होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। सम इंसेक्ट्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ इसमें से ऐसे हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। डू यू नो इंसेक्ट्स बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाई अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड काइटिनिन, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी प्रोटेक्ट होती है हार्ड कवर से, उन्हें क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, टेस्ट योर सेल्फ, टिक द इंसेक्ट विच कैन फ्लाई एंड क्रॉस द इंसेक्ट विच कैन नॉट फ्लाई, उन इंसेक्ट्स के बारे में आपको लिखना है, इसमें क्रॉस करना है जो इंसेक्ट उड़ नहीं सकते, और जो उड़ सकते हैं उनको आपको टिक कर देना है। जैसे कि देखिए ये ड्रैगन है, ड्रैगन फ्लाई, इसे टिक करना है क्योंकि ये उड़ सकते हैं, बट एंट नहीं उड़ सकती, इसे क्रॉस कर देना है। इंसेक्ट्स लाइक एंट एंड हनी बीज आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, चींटियों और हनी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं उन्हें सोशल इंसेक्ट्स कह सकते हैं। सोशल इंसेक्ट्स का मतलब है सामाजिक कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनसे। दे लिव टुगेदर इन ग्रुप और कॉलोनीज, वे रहते हैं साथ साथ किसी ग्रुप में या कॉलोनीज में। हनी बीज फ्रॉम बी हिव वाइल एंट्स फ्रॉम एंट हिल, हनी बीज जो होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो हनी बीज छत्ते में रहती हैं, ही बी हिप्स में रहती हैं, जबकि एंट जो होती हैं वो एंट हिल्स में रहती हैं, अपने लिए अलग वो एंट हिल्स बना लेती हैं, मिट्टी का टीला टाइप का बना लेती हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लाई हाउस, द डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लाई हाउस आर शोन इन द फिगर गिवन बिलो, ये अलग अलग स्टेज दी हुई हैं लाइफ साइकिल दी हुई है
एक हाउस फ्लाई की जो हमारे घरों में मक्खी पाई जाती है उसकी एक लाइफ साइकिल दी गई है, किस तरह से वो हाउस फ्लाई ले एग्स, एग्स कैसे देते हैं और कैसे उसमें से लार्वा निकलता है, हैचेस टू फ्रॉम लार्वा, मैगॉट कैसे बनता है, मैगॉट चेंजेस टू प्यूपा, प्यूपा में बन जाता है और प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है एक यंग हाउस फ्लाई में। ओके, सो यू हैव टू मेक दिस लाइफ साइकिल ऑफ हाउस हाउस फ्लाई इन योर नोटबुक। ओके, एंड टिक और क्रॉस द इंसेक्ट्स विच कैन फ्लाई विच कैन नॉट फ्लाई। सो टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो आई विल सेंड यू ओरल क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।